हेलो दोस्तों, आपका फ्री एमपी स्टडी चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा नौवीं की विज्ञान विषय का पूरा हल देखने वाले हैं, जो कि आपकी वार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र है। तो अंत तक बने रहिएगा, इसमें हम एक से लेकर सभी तक के प्रश्नों का हल देखेंगे। तो ये रहा आपका कक्षा नौवीं की जो परीक्षा है उसके विज्ञान विषय का सब्जेक्ट कोड और ईयर। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपका प्रश्न नंबर पहला दिया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, तो सही विकल्प आपके लिए यहाँ पर चुनकर लिखने, जिसमें से आपका पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, तो यहाँ पर लोहे में जंग लगना भौतिक परिवर्तन नहीं है। ठीक है, बाकी ये सभी जो है भौतिक परिवर्तन है, तो आपका आ नंबर का आंसर हो जाएगा। इसके बाद है दूसरा, दूसरे में है मैग्नीशियम परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो वो है आपका 282, तो 12 नंबर का आपका हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए लगा लेंगे। इसके बाद में आता है तीसरा, तीसरे में दिया गया है कि एक बच्चा मेज को 10 मिनट तक धक्का लगाता है, किंतु वस्तु अपने स्थान से नहीं हिलती, तब बच्चे द्वारा किया गया कार्य होगा। तो जब विस्थापन नहीं होता है तो कार्य शून्य होता है, तो यहाँ पर आपका 7 नंबर का आंसर सही हो जाएगा, कार्य शून्य होगा। इसके बाद में आपका चौथे नंबर का क्वेश्चन जो आता है, पेनिसिलिन है, तो पेनिसिलिन क्या है, आपका एंटीबायोटिक है, आठ नंबर का आंसर सही हो जाएगा, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक होता है। इसके बाद में पाँचवें नंबर का प्रश्न आता है, यहाँ पर दिया है निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो यहाँ देख सकते हैं अमोनिया जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, पाँच नंबर का आंसर सही होगा। ठीक है, फिर आते हैं आपके दूसरे नंबर प्रश्न पर, यहाँ पर लिखा गया है उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर उचित आपके लिए शब्द भरने हैं, जैसे कि यहाँ पर आपके लिए दो ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं, कोई एक इसका आंसर होगा। तो पहले का देखते हैं, किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में बदलना खाली स्थान कहलाता है, तो यह हमारा ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ठीक है, तो ऊर्ध्वपातन की क्रिया कहलाती है ठोस से सीधे गैस में बदलना। इसके बाद में दूसरा हमारे लिए क्वेश्चन है, समस्थानिकों के खाली स्थान समान होते हैं, तो परमाणु क्रमांक समान होते हैं, समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक समान होते हैं और संभारकों के परमाणु भार समान होते हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद तीसरा दिया है कि रक्त एक खाली स्थान है, ठीक है, ऊतक है, तो यह तरल संयोजी ऊतक होता है, यह आपका सही हो जाएगा, तरल संयोजी ऊतक। ठीक है, ये लगा लेंगे। इसके बाद में है खाली स्थान विषाणु जनित रोग है, तो यहाँ पर जो एड्स है वो विषाणु जनित रोग है, और जो हैजा होता है वो जीवाणु से होता है, तो यहाँ पर इस प्रकार के आपके आंसर हो जाएंगे। इसके बाद में आपका लास्ट जो दिया गया है वो है प्रश्न नंबर 5 है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति खाली स्थान की बनी होती है, तो कोशिका भित्ति जो है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, तो यहाँ पर आपका सेल्यूलोज आंसर हो जाएगा, तो सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति बनी होती है, ये भर लेंगे। इसके बाद में आता है प्रश्न नंबर 3, जिसमें आपके लिए सही जोड़ियाँ भरनी है और बतानी है। तो यहाँ आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, तो वो होती है लाइसोसोम आत्महत्या की थैली, एक का हो जाएगा आपका ई नंबर से मैचिंग। गुरुत्वाकर्षण नियम किसने दिया था, न्यूटन ने, तो यहाँ पर 7 नंबर का हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण नियम 7 नंबर का। इसके बाद में कार्य का सही मात्रक जूल होता है, तो यहाँ पर आपका 10 नंबर का हो जाएगा, तीसरे का दा हो जाएगा। अमोनियम सल्फेट जो है उसका जो सूत्र होता है 12 नंबर में लिखा गया है, तो ये होता है NH4 का होल ट्वाइस और SO4, तो ये हो जाएगा उसका। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से मैं मिला देता हूँ, आत्महत्या की शैली लाइसोसोम, गुरुत्वाकर्षण नियम न्यूटन, ऐसा ही मात्रक होता है जूल, और अमोनियम सल्फेट हो जाएगा NH4 का उल्टा SO4, और ओजोन परत जो है CFC से क्षरित होती है। तो इस प्रकार से आपके सभी आंसर्स हो जाएंगे। इसके बाद देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 दिया गया है कि एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देनी है, तो सोडियम का संकेत, तो यहाँ पर आ जाएगा सोडियम का संकेत लिखिए, तो NA होता है। ठीक है, तो यहाँ पर NA लिख देना है, सोडियम का संकेत। इसके बाद में कोशिका में होने वाली जैविक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है, तो केंद्रक करता है, यहाँ पर आपका केंद्रक आंसर आएगा, केंद्रक लिख देंगे। इसके बाद में है आपका किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 12 किलोग्राम है, चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान क्या होगा, तो देखिए द्रव्यमान सभी जगह एक सा होता है, भार गुरुत्वाकर्षण के हिसाब से घटता बढ़ता रहता है, तो यहाँ पर आपका 12 का 12 आंसर आएगा, 12 किलोग्राम ही होगा। ठीक है, 12 kg। इसके बाद में आपका आता है चौथा वाला प्रश्न, इसमें दिया है कि बल का सही मात्रक लिखिए, तो न्यूटन होता है, न्यूटन। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर आइए, न्यूटन आपका आंसर हो जाएगा। फिर गति का प्रथम समीकरण लिखिए, तो गति का समीकरण होता है v = u + at। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका गति का प्रथम समीकरण। तो इस प्रकार से ये 4 तक के आपके आंसर थे। अब देखते हैं आपका अगला प्रश्न 5।
प्रश्न नंबर पाँच का उत्तर यहाँ पर दिखा जा रहा है, जितना मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ये आपका प्रश्न पाँच है, तो इसके लिए लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका प्रश्न नंबर पाँच रहा, इसके लिए लिख लेंगे। फिर आपका यहाँ पर प्रश्न नंबर छः का उत्तर है, परमाणु से आप क्या समझते हैं। तो ये प्रश्न नंबर छः के लिए इतना अंडरलाइन करता हूँ, इसके लिए आप अपनी आंसर शीट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इतना आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में है आपका प्रश्न नंबर सात, तो यहाँ पर लिखा गया है ऊतक को परिभाषित करें। तो प्रश्न नंबर सात में ऊतक का इतना आपके लिए लिखना है, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, सभी के आंसर इस वीडियो में आपके लिए प्रोवाइड कराए जाएंगे। फिर है प्रश्न नंबर सात का अथवा, अगर आप चाहें तो अथवा भी लिख सकते हैं। तो ये है एस्टोमेटा के कोई दो मुख्य कार्य लिखिए, तो वहाँ पर ये आपका आंसर दिख रहा है। ठीक है, लिख सकते हैं। इसके बाद में आपका प्रश्न नंबर नौवां दिया गया है, ठीक है, और आठवां भी है, तो यहाँ पर आप इनके लिए यहाँ से लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर ये रहा आपका नौवां, इसमें लिखा है कि एक समान वृत्तीय गति किसे कहते हैं, तो इसका आंसर अंडरलाइन हो चुका है। इसके बाद में प्रश्न नंबर आठवें का उत्तर यहाँ पर है, त्वरण किसे कहते हैं, इसका सूत्र एवं मात्रक बताइए, तो यहाँ पर ये प्रश्न नंबर आठ है। ठीक है, इतना आपका इसका आंसर हो जाएगा, इसके लिए आप अपनी उत्तर शीट में लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर नौवीं का अथवा है, आप जो कौन सा भी करना चाहें कर सकते हैं, यहाँ पर अथवा का भी कर सकते हैं और फर्स्ट वाला भी कर सकते हैं। तो जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे और झुक जाती है, क्यों, इसका उत्तर ये लिखा है। तो जो आपके लिए अंडरलाइन में है, मतलब कि इस रेक्टेंगल के अंदर जो इतनी एरिया है उसमें आपका आंसर होता है। इसके बाद है आपका प्रश्न नंबर दस, प्रश्न नंबर दस में मिश्रण एवं यौगिक में अंतर है, तो यहाँ पर ये रहा उत्तर, इसके लिए लिखेंगे। ठीक है, और चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। तो प्रश्न नंबर दस का उत्तर हो गया है। अब आता है आपका प्रश्न नंबर ग्यारहवा, यहाँ पर कैथोड किरणों की कोई दो विशेषताएँ लिखनी थी, तो यहाँ पर ये इतना अंडरलाइन है। ठीक है, इसके लिए बताना है आपको, कैथोड किरणों की कोई दो विशेषताएँ लिखिए, तो इतना आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, इसके लिए लिखेंगे। इसके बाद में है प्रश्न नंबर बारहवीं का आंसर, तो ये यहाँ पर प्रश्न नंबर ग्यारहवीं का भी आपके लिए उत्तर है, तो इसके लिए भी लिख सकते हैं चाहते हैं। तो संभारक क्या है और इनके आपके लिए उदाहरण भी देने हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर बता दिया है। इसके बाद बारहवा प्रश्न आता है, तंत्रिका तंत्र का मतलब तंत्रिका कोशिका का चित्र बनाइए, तो यहाँ पर ये चित्र बना हुआ नामांकित है, इसके लिए आप बना सकते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका प्रश्न नंबर तेरहवा, तो यहाँ पर प्रश्न नंबर तेरहवें में जो दिया था उसका यहाँ पर उत्तर लिखा है, लिख सकते हैं आप, ये पूरा आपका उसी का उत्तर है। इसके बाद में प्रश्न नंबर तेरहवीं का अथवा, चाहें तो अथवा भी लिख सकते हैं, ये रहा आपका अथवे का उत्तर, देखते जाइए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका प्रश्न नंबर चौदहवा, तो ये प्रश्न नंबर चौदह का उत्तर दिया गया है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। ठीक है, इसके लिए बताना है, इतना आपका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर चौदह का, और उसी के नीचे चौदहवें का अथवा का दिया गया है, तो चौदहवें का अथवा लिख सकते हैं, ये रहा चौदहवें का अथवा, ओजोन परत का महत्व बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर ये चौदहवें का उत्तर है अथवे का, और वैसे भी ये पंद्रहवें का अथवा उत्तर है कि निम्नलिखित योगों के आणविक सूत्र लिखिए, तो यहाँ पर ये आपके लिए लिखने हैं, तो ये रहे उसके आणविक सूत्र। ठीक है, उत्तर नीचे लिखाया गया है, इसके लिए लिख सकते हैं, ये रहे आपके आणविक सूत्र। इसके बाद में प्रश्न नंबर सोलहवें का अथवा दिया गया है, तो सोलहवें के अथवे को भी लिख सकते हैं। यहाँ पर प्रश्न नंबर जो चार में शो हो रहा है, यहाँ पे पेशियों से आप क्या समझते हैं, कितने प्रकार की होती है, रेखित व अरेखित पेशी को समझाइए, तो इतना आपका उत्तर हो जाएगा, इसके लिए लिख लेंगे। ये सभी आपके जो हैं प्रश्न बैंक से आए हुए हैं, तो उनके लिए लिखते जाइए। फिर तंत्रिका कोशिका का नामांकन चित्र, ये प्रश्न बारहवीं का उत्तर आपने पहले देखा। फिर है आपका प्रश्न नंबर सत्रहवा, सत्रहवें का उत्तर है आपके लिए 60 वाट का एक विद्युत बल्ब प्रतिदिन 6 घंटे उपयोग किया जाता है वाले प्रश्न का यहाँ पर उत्तर दिखा रहा है, ये पूरा हल किया जा चुका है, इसके लिए आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 0.36 यूनिट खर्च होगी, ये आपका उत्तर आया है। इसके बाद में प्रश्न नंबर सत्रहवा, ठीक है, उसके आगे भी ये आपका दिखाया जा रहा है उत्तर, सत्रहवें का अथवा लिख सकते हैं यहाँ से। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, साथ में चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। तो ये आपने सत्रहवें का अथवा देखा।
अब देख रहे हैं हम प्रश्न नंबर 18। जीवाणु का विषाणु द्वारा होने वाले दो दो रोगों के नाम, तो यहाँ पर दो दो रोगों के नाम लिखनी है, तो यहाँ पर ये लिख सकती हैं आप, ठीक है। जितना अंडरलाइन है इसके अंदर आपका उत्तर है। फिर प्रश्न नंबर 18 का अथवा भी है, तो अथवा यहाँ से आप देख लेंगे, आपके लिए जिस वाला भी लगता है अच्छा करना वो कर सकते हैं, चाहे तो आप डायरेक्ट वाला कर सकते हैं, चाहे तो आप अथवा वाला भी कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, द्रव्यमान एवं भार में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो ये रहा आपका प्रश्न नंबर 19 का उत्तर। यहाँ तक आपको लिखना है, प्रश्न नंबर 19 में द्रव्यमान एवं भार में अंतर लिखना है, तो ये हो जाएगा। इसके बाद में है प्रश्न नंबर 20 का अथवा, तो यहाँ पर अथवे का लिखा गया, समस्थानिक की परिभाषा लिखते एवं उनका उनका अनुप्रयोग लिखो, ठीक है, तो ये हो जाएगा इतना। 21 में पादप कोशिका का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए और पादप कोशिका, ठीक है, तो यहाँ पर ये रहा इसका चित्र, आप इसे ध्यान से देख सकते हैं और इस प्रकार से बनाना है और नामांकित करना है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 21 है, 21 का अथवा दिया गया, पादप कोशिका जंतु कोशिका में अंतर, तो इसमें से आपके लिए जौन सा भी करना है वो कर सकते हैं। ये 21 का चित्र बनाने के लिए और ये अंतर है, अंतर करें तो बेटर रहेगा, ठीक है। इसके बाद में 22वां प्रश्न है, 22वें प्रश्न में आपकी लिख क्वेश्चन दिया गया है कि कोई क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को कैच करते समय अपने हाथों के पीछे की ओर खींचता है, खींच लेता है, क्यों, स्पष्ट कीजिए, ठीक है, तो इसके लिए उत्तर है आपका लिख लेना है। इसके बाद आता है आपका 13वां प्रश्न, तो यहाँ पर ये ऑलरेडी सब हो चुके हैं, ठीक है, 22 प्रश्न तक थे। तो वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दें, साथ में चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लें, इसी तरह की वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे।